हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं काजू की कतली। काजू की कतली वैसे तो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है, अगर ये घर की बनी हुई काजू की कतली हो तो बात ही कुछ और होती है। एकदम परफेक्ट काजू की कतली बनाने के लिए चाहिए 2 कप काजू। मैंने इस तरीके के कप यूज़ किए हैं, इसको लेवल में करके 2 कप काजू लिए हैं। 1 कप शुगर, 1/2 कप से थोड़ा सा कम, इतना कम मिल्क पाउडर है, थोड़ा सा घी और पानी। सब्सक्राइब कीजिए सौम्याज किचन को और बेल आइकॉन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट रेसिपी देखने के लिए। आइए बनाते हैं। काजुओं को धोकर के 5-6 बार पानी से अच्छे से धोकर के सुखा लिया था। एक कपड़े पर डाल करके पंखे के नीचे रख दें तो ये करीब 24 घंटे या 36 घंटे में सूख जाएंगे। काजू का पाउडर बनाएंगे। काजू का पाउडर बनाने के लिए काजू को मिक्सी के जार में डालेंगे। ध्यान रहे बहुत थोड़े थोड़े काजू पीसें, अगर ज़्यादा काजू पीसेंगे तो ज़्यादा देर मिक्सी को चलाना पड़ेगा और जो काजू में ऑयल होता है वो बाहर आ जाएगा, चिपका हुआ पाउडर बनेगा। इसलिए हम थोड़े थोड़े काजुओं को पीसेंगे और थोड़े काजू बहुत जल्दी पिस भी जाते हैं और एक साथ मिक्सी को नहीं चलाना है, धीरे धीरे मिक्सी को चलाना है। करीब 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे, फिर 2 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरीके से मिक्सी को चलाना है। इस तरीके से सारे काजू का पाउडर बना लेंगे। काजू का पाउडर पिस करके तैयार है। काजू के पाउडर को एक छलनी में करके छान लेंगे जिससे कि अगर मोटा मोटा काजू बचा है तो उसको हम दोबारा पीस सकें। आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा काजू बचा है, इसको भी हल्का सा पीस लेंगे। फिर से पूरा काजू पीस चुका है, काजू का पाउडर तैयार हो गया है। गैस पर कढ़ाई या पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे पानी। मैंने 1 कप चीनी यूज़ की है तो 1/2 कप पानी डालेंगे। मैंने इसमें चीनी कम यूज़ की है, अगर आप क्या ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप इसमें 1.5 कप चीनी यूज़ कर सकते हैं, 1 कप की जगह 1.5 कप चीनी यूज़ कर सकते हैं। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालें, चीनी को डाल देंगे। चाशनी बनाएंगे, इसमें 1 तार की चाशनी चाहिए, 1 तार बनना स्टार्ट हो गया है यानी कि चाशनी तैयार है। गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें काजू वाला जो पाउडर है उसको डाल देंगे और मिल्क पाउडर है उसको भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। काजू पाउडर और मिल्क पाउडर को डाल करके इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे, कोई भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए। काजू को करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंटेंगे जिससे कि वो क्रीम की तरह हो जाए, उसके बाद गैस को ऑन करेंगे। अब काजू पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया है, गैस को ऑन कर देंगे। गैस को हाई फ्लेम पर नहीं रखेंगे, बिल्कुल स्लो कर देंगे गैस को और अच्छे से मिक्स करेंगे। करीब 3 से 4 मिनट लग जाएंगे या 2 से 3 मिनट, आपका मिक्सचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टाइम कितना लगेगा। बर्फी को सेट करने के लिए हलवाई वगैरह इसमें रंग काट मिलाते हैं, मैंने रंग काट खोए की बर्फी में मिलाया था, इसमें नहीं मिला रही हूँ मैं। बर्फी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है रंग काट मिलाने से। इसको जब तक पकाना है जब तक कि मिक्सर पैन को ना छोड़ दे, पैन से थोड़ा थोड़ा अलग होने लगा है मिक्सर।
आप देख सकते हैं पैन में से जो मिक्सचर है वो एक साथ इकट्ठा होने लगा है पूरी तरीके से, यानी कि मिक्सचर पक करके तैयार हो गया है। गैस को बंद कर देंगे। जिस ट्रे में हमको जमाना है या थाली के ऊपर जमाना है उसमें घी लगाएंगे। घी अच्छे से लगाना चाहिए जिससे कि कतली आसानी से बाहर निकल आए। घी लगाने के बाद मिक्सचर को ट्रे में डाल देंगे। जिस कलछी से या पलटे से आप बर्फ़ी को प्लेन करेंगे उस पर हल्का सा घी लगा लें जिससे कि आसानी से फैल सके। इसको अच्छे से, जितनी पतली बर्फ़ी आपको बनानी है या जितनी थिक बर्फ़ी बनानी है उस हिसाब से इसको फैला लेंगे, क्योंकि जब ज़्यादा ठंडा हो जाएगा अगर मिक्सचर तो अच्छे से सेट नहीं होगा, इसलिए गरम गरम ही मिक्सचर को सेट करेंगे। ध्यान रखें मिक्सचर बहुत गर्म होता है तो प्लेट भी गर्म हो जाती है, तो प्लेट को ध्यान से पकड़ें। एक सार करने के लिए एक पन्नी का यूज़ करेंगे। हाथ से कलछी से इस तरीके से कर देंगे जिससे कि बिल्कुल एक सार हो जाएगी बर्फ़ी। बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर दिया है। अब बर्फ़ी को करीब आधे से एक घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद बर्फ़ी के पीसेस काटेंगे। आप चाहें तो ऊपर से चांदी की बर्फ भी लगा दें बर्फ़ी के ऊपर। बर्फ़ी सेट हो गई है अच्छे से। अब एक छुरी लेंगे, उस पर हल्का सा घी लगा लेंगे जिससे कि बर्फ़ी बिल्कुल भी छुरी पे चिपके ना, और बर्फ़ी को काट लेंगे। जितने बड़े पीस आपको काटने हो या जिस शेप में काटने हो, जैसे स्क्वायर है या डायमंड शेप है, जिस भी शेप में आपको काटनी हो आप काट सकते हैं। बर्फ़ी के पीसेस प्लेट में से निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सेट हुई है बर्फ़ी, और बहुत ही आसानी से ट्रे में से बर्फ़ी निकल रही है। काजू की बर्फ़ी बन करके तैयार है। सेट भी बहुत अच्छे से हुई है और कड़क भी नहीं है। आप इस तरीके से हल्के से मोड़ सकते हैं। ये अभी हल्की सी गर्म है, बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन।